हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलविज न्यू मूवी अपडेट्स। देखिए, बिग बॉस के घर में कुछ ना कुछ तो होता ही ऐसा कि आपका मन थोड़ा सा विचलित हो जाए, इमोशनल आप हो जाए, और यहाँ तक कि आप चीखने लगे, चिल्लाने लगे दूसरे कंटेस्टेंट। पिछले वीकेंड के बाद पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं दिव्या अग्रवाल को जो बातें कही गई, जो बातें सुनाई गई, उससे वो काफ़ी परेशान है। करण जौहर की बातों से वो काफ़ी परेशान है, और यही कुछ अब हमें रेगुलर एपिसोड्स में देखने को मिल रहा है। जैसे ही दिव्या अग्रवाल जो है, हमें देखने को मिलता है कि वो काफ़ी परेशान है। कुछ लोगों से तो वो बात भी नहीं कर रही, इग्नोर भी कर रही है। वहीं उसी चक्कर में वो अभी भी वही बातें सोच रही है कि वीकेंड के बाद में मुझे क्या कहा गया, क्यों कहा गया, और दो चार झगड़े उनके लोगों के साथ हुए, और अब देखने को मिल रहा है कि वो खुद को कॉर्नर कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लाइव फीड में देखने को मिलता है कि दिव्या अग्रवाल जो है वो एक कोने में जा करके बैठ गई है, और उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। उन्होंने एक बात ये कही है कि भाई मेरी जो फीलिंग्स है वो हर्ट हुई हैं। तो ये बातें कहती हुई नज़र आ रही है दिव्या अग्रवाल, और साफ साफ हम ये देख सकते हैं कि जो उनकी लड़ाई हो रही है घर के अंदर, चाहे किसी के साथ भी हो, उससे वो काफ़ी इफेक्ट होने पहुंचा है। जिस तरह से करण जौहर ने उनकी क्लास ली है, उसके बाद वो क्लास जो है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बैठ गई है कि क्या क्या उन्हें करण जौहर ने कहा है, और अब वो कह रही है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हुई है। आपको क्या लगता है कि क्यों दिव्या अग्रवाल इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई है? जो भी आपको कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।